Assalamu alaikum for class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 5, that is possessive adjectives and possessive pronouns. Possessive adjectives and possessive pronouns. Students, ये हमने जो last जो chapter पढ़ा, chapter number 4, उसमें हमने कुछ personal pronouns देखे थे, ठीक है? और उसके अलावा हमने पढ़ा था personal pronouns को, personal pronouns की कुछ forms देखी थी, जो कौन सी थी, possessive adjectives और possessive pronouns, ठीक है? अब हम इस chapter में possessive adjective और possessive pronoun को detail से देखेंगे कि ये क्या difference है इन दोनों में, ठीक है? हैं तो दोनों possessive, ठीक है? यानी ये दोनों किसी भी चीज़ का रिलेशन जो है वो दूसरे से बताती हैं कि ओन्स यानी ये किसकी है, ये उसकी, यानी उस बताते हैं कि किसकी चीज़ किससे बिलोंग, कौन सी चीज़ किससे बिलोंग कर रही है, ठीक है? लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, तो इनमें कुछ तो डिफरेंस है ना, ठीक है? सो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पजेसिव एडजेक्टिव्स. ओके, यस, let us begin by looking at some examples. So first of all, we will have look on some examples. First A is, I have put my old books in a box. We love our dog Simba. Where are your new shoes? My father has lost his watch. Rita has tied her hair with a ribbon. The dog was licking its paw. The children were playing with their toys. So, आप students, आपने इन examples में देखा होगा कि कुछ words जो हैं वो underlined हैं, ठीक है? Like my, or, your, his, her, its, their, ठीक है? ये words जो हैं, ये actually जो personal pronouns हैं ना, I, we, you, he, she, it, they, ये इनकी possessive forms हैं, ठीक है? इनकी पजेसिव फॉर्म्स हैं. अब ये पोजेशन शो कर रही हैं, यानी कब्जा शो कर रही हैं, यानी ये चीज़ किसकी है. अब ओल्ड बुक्स, किसकी पुरानी किताबें, माई ओल्ड बुक्स, मेरी. अब वी लव डॉग, मतलब हम किसके डॉग को वो लव करते हैं, हम किसके डॉग को, हमारे अपने. और वेयर आर योर न्यू शूज़, यानी किसके न्यू शूज़ हैं, तुम्हारे. माई, यानी किसकी वॉच जो है वो गुम हुई, फादर की, ठीक है? यानी ये जो है ये पोजेशन शो कर रही हैं, ठीक है? पोजेशन शो कर रही हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स. अब एडजेक्टिव आगे आ रहा है, अब हम देखते हैं कि इनको पोजेसिव पोजेशन तो ही शो कर रही हैं, वाई दे कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स. ओके, लेट्स हैव अ लुक. ओके, हेयर आर सम मोर एग्जांपल्स. माय ओल्ड बुक्स बिलोंग टू मी. आवर डॉग बिलोंग्स टू अस. योर न्यू शूज बिलोंग टू यू. हिज वॉच बिलोंग्स टू हिम, दैट इज माय फादर. हर हेयर बिलोंग्स टू हर, दैट इज रिटा. इट्स पॉ बिलोंग्स टू इट, दैट इज द डॉग. देयर टॉयज बिलोंग टू देम, दैट इज द चिल्ड्रन. These words are, however, considered to be adjectives because they tell us more about our qualified nouns like books, shoes, dog, watch, hair, paw, toys, and so do the work of adjectives. Moreover, they cannot be used on their own, that is independently without nouns. यानी अब इनको हम पजेसिव एडजेक्टिव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हैं ये नाउन से पहले लगे हुए हैं, ठीक है? नाउन से पहले यूज़ हो रहे हैं, और इसके अलावा ये नाउन की मज़ीद उस नाउन के बारे में हमें बता रहे हैं, ठीक है? कि अब माई बुक्स, मेरी बुक्स, ठीक है? अब किताबें किस से ताल्लुक है, मुझसे, मी. डॉग का हमसे. शूज यू, तुमसे, ठीक है? ये हमें बता रहे हैं, और ये इंडिपेंडेंटली नाउन के बगैर ये यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है? ये नाउन के बगैर यूज़ नहीं होते, ये मेन पॉइंट है, ये आपने याद रखना है पजेसिव एडजेक्टिव्स का, कि ये नाउन के बगैर इंडिपेंडेंटली ये यूज़ नहीं होते, ठीक है? आप, मैं आपको दोबारा से एग्जांपल्स दिखाती हूँ. लुक एट देयर,
माय ओल्ड बुक्स. अब ओल्ड बुक्स ये क्या है, ये हैं नाउंस हैं और इनके साथ ये लगा हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव माय. और डॉग, डॉग है नाउन और लग गया तो पजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है, हर नाउन से पहले ये पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है. शूज़ से पहले हो रहा है, वॉच से पहले हो रहा है, हेयर से पहले, पॉज से पहले, टॉयज से पहले. अब ये बग़ैर नाउन के किसी भी सेंटेंस में यूज़ नहीं हो सकते. ठीक है, बग़ैर नाउन के इनका कोई सेंस ही नहीं, मतलब हमें इनका कोई मतलब ही नहीं समझ आएगा. ओके, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19. Yes, we you cannot say I have put my beloved or where are your my father has lost his. Rita has tied her. The dog was licking its. The children were playing with their. यानी हम इनको सेंटेंस ऐसे नहीं, नहीं नाउन के बगैर ये ऐसे नहीं होंगे. आप देखिए, आई हैव पुट माई वी लव और हमें मोहब्बत है किस से, आगे नाउन यूज़ होगा तो हमें सेंटेंस की समझ आएगी, अदरवाइज वी कांट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ओके, दैट मीन्स कि ये नाउन पर डिपेंड करते हैं, नाउन के बगैर ये सेंटेंस में यूज़ नहीं होते, इनका कोई सेंस ही नहीं बनता. इन ईच केस अ नाउन बुक्स डॉग्स शूज़ वॉच हेयर पॉट टॉयज इज़ नीडेड टू मेक द सेंस कम्प्लीट. यानी हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई नाउन यूज़ हो, मतलब नाउन की ज़रूरत है किस लिए, टू मेक द सेंस कम्प्लीट, के सेंटेंस का मीनिंग जो है वो करेक्ट यानी बिल्कुल ठीक समझने के लिए. दे आर देयरफॉर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स और प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स. प्रोनोमिनल मतलब formed from pronouns, ये pronouns से बनते हैं, that's why they are called pronominal. Okay, pronominal adjectives. Now अब हमने possessive adjective में क्या देखा कि ये जो हैं possessive adjectives ये noun के बगैर किसी भी sentence में use नहीं हो सकते, ये independently use नहीं हो सकते. ठीक है, noun use होगा तो ये यूज़ होंगे और इनका सेंस होगा, यानी सेंटेंस की हमें समझ आएगी. ओके, कम टू नेक्स्ट पजेसिव प्रोनाउंस. पजेसिव प्रोनाउंस, नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस. देयर आर सम ओल्ड बुक्स इन द बॉक्स, दे आर माइन. हैव यू सीन दैट रेड कार, इट इज़ योर, इट इज़ ours. माई शूज आर न्यू, सो आर yours. देयर इज़ अ वॉच ऑन द टेबल, इट इज़ हिज. This is a beautiful dress. Who does it belong to? It is hers. There is a house on the top of the hill. Is it theirs? अब इन सेंटेंस में आपने यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स अंडरलाइन देखे आपने, माइन, ours, yours, his, hers, theirs. ठीक है, ये क्या है, ये भी पर्सनल प्रोनाउंस की ही फॉर्म्स हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे वगैरह की. ठीक है, ये भी हमें चीज़ों की पोजेशन के बारे में ही बताती हैं. आप देखें, देर आर सम ओल्ड बुक्स इन द बॉक्स, डिब्बे में कुछ पुरानी किताबें हैं. दे आर माइन, वो मेरी हैं, यानी माइन मेरी हैं. ऑर्स उनकी हैं, योर्स आपकी हैं, हिज उसकी हैं, हर्स उस लड़की की हैं, देयर्स उनकी हैं. ठीक है, यानी ये भी पोजेशन शो करें, मतलब रिलेशन बताता है कि चीज़ किसकी है. ठीक है, These words mine, ours, yours, his, hers, theirs are also possessive forms of the personal pronouns I, we, you, they, he, she, which tells us that certain persons have or own certain things or that certain things belong to certain persons. But note that they do not depend on nouns. Yes, the main point is there. Possessive pronouns are not depend on nouns. यानी possessive pronouns जो हैं ये नाउन पर डिपेंड नहीं करते. आपने देखा कि किसी के भी लास्ट पर, मतलब किसी के बाद कोई नाउन यूज़ नहीं हुआ. अब हर से हर के बाद कोई नाउन नहीं यूज़ हुआ, यानी ये इंडिपेंडेंट यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, अगर ये इस तरीके से भी यूज़ होंगे तो हमें इनका कंप्लीट सेंस यानी सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है सेंटेंस में. ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन पर डिपेंड करते हैं और पजेसिव प्रोनाउन नाउन पर डिपेंड नहीं करते हैं. ओके, ये बात याद रखनी है. ओके, दीज पजेसिव फॉर्म्स और कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउंस. अब यहाँ पर उन्होंने मज़ीद हमें एग्जाम्पल्स दी हैं, लेट्स हैव अ लुक. दे आर माइन, मैंने वो मेरे हैं,
इट इज़ ours, ये उनका है. सो आर योर्स, जैसे तुम्हारे हैं. इट इज़ हिज, ये उसका है. इट इज़ हर, ये उस लड़की का है. इट इज़ देयर, ये उनका है. ठीक है, यानी हमें सेंटेंस की समझ आ रही है. दैट्स वाई दीज पजेसिव प्रोनाउंस आर नॉट डिपेंडेड अपॉन द नाउन. यानी पजेसिव प्रोनाउंस नाउन पर डिपेंड नहीं करते हैं. ये नाउन के बगैर भी हमें कंप्लीट सेंस देते हैं, यानी सेंटेंस का कंप्लीट मतलब हमें समझ में आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19 दोनों को रीड आउट कर लेना है. ठीक है, आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए पजेसिव प्रोनाउंस क्या हैं और पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.